सोमवार को सेंसेक्स करीब 800 अंक गिरकर बंद हुआ। वही निफ्टी ने भी 12,000 का मनोवैज्ञानिक लेवल तोड़ दिया है। पिछले 6 महीनों में यह शेयर बाजार की सबसे बड़ी गिरावट है। आज वोलेटिलिटी इंडेक्स 16% से ज़्यादा बढ़ गया। यह पिछले एक साल में किसी एक दिन में हुई सबसे बड़ी गिरावट है। मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ने की वजह से सिर्फ एक दिन में शेयर बाजार से 3 लाख करोड़ रुपए बह गए। इस तनाव की वजह से क्रूड प्राइस 70 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच गई। वहीं रुपये की वैल्यू भी 14 नवंबर के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 लाख करोड़ रुपए से घट गया है। शुक्रवार को बंद भाव 156.87 लाख करोड़ रुपए से 3 लाख रुपए कम हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी, जिसके बाद दुनिया भर के बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है। अमेरिका ने पहले ही ईरान पर एक सैन्य अधिकारी को मार गिराया था। अमेरिका ने ईरान के एक टॉप जनरल को मार गिराया था, जिसके बाद से तनाव और बढ़ गया है। इसके बाद गोल्ड और ग्रोथ की प्राइस में इजाफा हुआ है। गोल्ड की प्राइस पिछले 7 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। बाजार के जानकारों का कहना है कि सोमवार को इंडेक्स 41,000 और निफ्टी 50,000 और निफ्टी 50 12,000 का सपोर्ट लेवल तोड़ दिया।